अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गुफरान मलिक और आप देख रहे हैं सुबह जनता। दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं और ये आप लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिला पंचायत, ग्राम प्रधान और बीडीसी और प्रधान के मंत्री का चुनाव, यानी कि 4 वोट एक साथ डालने होंगे एक व्यक्ति को। और ये पहला चरण है उत्तर प्रदेश का, जो कि 15 तारीख में वोट होने हैं। ये वोटर के लिए एक चुनौती भी है, कंफ्यूजन भी होगा कि किसको वोट करें, 4 वोट डालने हैं एक साथ, कौन कौन सा डालना है। और एक बात और आपको बता दूं, ये ईवीएम मशीन से नहीं बल्कि ठप्पे वाला चुनाव है, ठप्पे वाला। लोग कहते हैं ईवीएम की गड़बड़, ईवीएम से जीत रही है भाजपा, तो ये जो चुनाव है ये ठप्पे वाला चुनाव है, ईवीएम का नहीं है। और यहाँ पर चुनाव जिला पंचायत यानी उत्तर प्रदेश के अंदर छोटी सरकार किसकी बनेगी है वो चुनाव। और हम गांव दर गांव जा रहे हैं, दिखा रहे हैं आखिरकार इलेक्शन की फिजा क्या है, लोगों के मन क्या है, किसके साथ है, किस दल के साथ है। क्योंकि ये ग्राम प्रधान के साथ साथ जिला पंचायत का भी इलेक्शन है, जिसको पार्टी के लिए चुना जाता है, व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि पार्टी के लिए लोग इसको चुनना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, हम आए हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा एक, जो कि भेट विधानसभा है, सहारनपुर में पड़ती है। और भेट विधानसभा में ये जिला पंचायत के लिए वार्ड 6 है जहां पर हम खड़े, और इस गांव का नाम है चिम्मा बांस। और यहां पर हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए खचाखच मैदान भरा हुआ है लोगों से, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, इसीलिए लोग इकट्ठा है, वरना दिखाई नहीं देते हैं दिन में, रात को तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग दिखाई देते। तो जानना चाहेंगे कि यहाँ के जो आम लोग हैं उनकी राय क्या है इलेक्शन को लेके जिला पंचायत के, क्योंकि वो किस पार्टी को चुन रहे हैं या किस चेहरे को चुन रहे हैं, हम जानना चाहेंगे। आपका नाम? मोहम्मद मुस्तकीम। मोहम्मद मुस्तकीम साहब, आप बताइए कि आप लोग पार्टी के साथ है या किसी चेहरे के साथ है? नहीं, हम समाजवादी पार्टी के साथ है और हमारे 6 नंबर वार्ड से बंटी भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हम सभी उसको वोट देंगे। और वो इमरान मसूद वाले तबरेज आलम चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या? भाई, कांग्रेस फिलहाल बहुत पीछे है। कांग्रेस पीछे है, इमरान मसूद तो आगे है ना। नहीं, हम पार्टी की बात कर रहे हैं, आपने पहले कहा कि पार्टी की साथ हो या किसी व्यक्ति का साथ हो, तो आप पार्टी के साथ? पार्टी के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ, और समाजवादी पार्टी को वोट। चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, आप बताइए, लोग बता सकते हैं, खुल के अपने मन की बात का इजहार कर सकते हैं, आप बताइए। आप लोग सब, तो दोस्तों हमने आपको दिखाई ये था नजारा भेट विधानसभा के ग्राम चिम्मा बांस का, जहाँ पर एक जुबान सब लोग कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। और समाजवादी पार्टी में भेट विधानसभा के जो प्रभारी हैं वो उमर अली खान है, जो इस विधानसभा में सत्ता चलते भी रहे और सत्ता के बाद भी लोगों के पीछे, और उनके नेतृत्व में उन्होंने यहाँ भेट विधानसभा की वार्ड नंबर 6 से रोहित राणा उर्फ बंटी को प्रत्याशी बनाकर उतारा है। और यहाँ के तमाम लोग, क्योंकि ये रोहित सिंह राणा का गुआ नहीं है कि वो रहने वाले 5 में एक गाँव पड़ता है मंडोरा, वही के वो रहने वाले, और यहाँ के तमाम लोग जो हम दिखा रहे हैं, खचाखच भरा हुआ है ये ग्राउंड जहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ के सभी लोग एक तरफा ये कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी यानी रोहित सिंह राणा जो उमर अली खान के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं उनको वोट करेंगे। हमारे साथ कैमरा मैन है सैयद मोहम्मद साईद, मैं हूँ आपके साथ गुफरान मलिक, मुख्य संपादक सूरज जनता की आवाज़ में सहारनपुर।